say my name, so my power may flow through you. Take it easy on him. Unlock your greatest power. Thrones of our brothers and sisters awake. Kandak needed a hero. क्यों इतने सालों बाद ब्लैक एडम आया सबके सामने? फिल्म में कैसे इंट्रोड्यूस होगा ब्लैक एडम? कैसे मिली थी ब्लैक एडम को उसकी पावर्स? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, सुपर हीरोज की फिल्मी दुनिया में हम हमेशा ही दो फिल्म स्टूडियोज के सुपर हीरोज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और दूसरा डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। जहां एक तरफ हम डीसी के बैटमैन और सुपरमैन के बचपन से दीवाने रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एमसीयू के आयरन मैन और एवेंजर्स अब हमारे दिल में बसते हैं। हालांकि मैं ये तो नहीं बता सकता कि दोनों में से बेस्ट कौन है, लेकिन हाँ, बात करें अगर नंबर ऑफ फिल्म्स की तो मार्वल इसमें बाजी मार जाता है। बट एमसीयू के इन्फिनाइट सागा खत्म होने के बाद उसकी मल्टीवर्स सागा के लिए फैंस एक्साइटेड तो हैं, लेकिन मार्वल कुछ ओवर द टॉप नहीं कर पा रहा है। वहीं अब डीसी ने कमर कस ली है और हालांकि अनाउंसमेंट्स की लिस्ट थोड़ी छोटी है, पर जितने हैं दमदार हैं। शुरुआत द बैटमैन से और उसके बाद शज़ाम 2 और ब्लैक एडम जैसी मोस्ट अवेटेड मूवीज। हालांकि शज़ाम को हम जानते हैं, लेकिन ब्लैक एडम डीसी मूवीज के लिए एक बिल्कुल फ्रेश नाम है। लेकिन क्या ऐसा कॉमिक वर्ल्ड में भी है? नहीं, कॉमिक्स में ब्लैक एडम की लंबी चौड़ी हिस्ट्री विद स्टोरी रही है। उसका शज़ाम से भिड़ना और उसके बाद सुपरमैन से क्लैश, कॉमिक्स में ये सब है। लेकिन एक सवाल तो फैंस के दिमाग में तब से घूम रहा है जब से फिल्म का ट्रेलर आया है, ये कि आखिर ब्लैक एडम अभी ही क्यों सामने आ रहा है। तो इसका जवाब आपको मेकर्स ने पहले ही दे दिया है, क्योंकि अगर ट्रेलर को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें वहां ब्लैक एडम का एंट्री सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स उस पर गन पॉइंट करे हुए हैं और उसकी कुछ हरकत और वो उस पर फायरिंग भी करने लगते हैं। तो बस यही था ब्लैक एडम का एंट्री सीन। लेकिन आखिर कैसे? तो उसका जवाब छुपा है इसकी हिस्ट्री में। असल में ब्लैक एडम शज़ाम की तरह ही एक चुना हुआ चैंपियन है, जिसे ऐसे ही एक विज़र्ड ने गॉड्स की पावर दी थी। लेकिन ये बात थी आज से हजारों साल पुराने टाइम की, लगभग 1200 BC कह रहा हूं, जहां एडम नाम के एक शख्स को अच्छा कराने के लिए पावर मिलती है। बट वो उन्हें सबसे पहले तो अपने कुछ साथियों को लिबरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी उन्हें गुलामी से आजाद करता है। और उसके बाद वो सोचता है कि यही क्यों रुक जाया जाए, क्यों ना दुनिया से सभी गुलामी को खत्म कर दिया जाए। और इस चक्कर में वो इतना मैसिव और क्रूअल बन जाता है कि विजिट्स को उसे रोकना पड़ता है और वो उसकी पावर्स को एक मैजिकल चीज के अंदर बंद कर देते हैं और एडम को एक दीवार में चुनवा देते हैं। और बस उसी मैजिकली हाउंडेड थिंग को हमारे न्यू सोल्जर इजिप्ट की एक खुदाई में ढूंढ निकालते हैं और किसी तरह ब्लैक एडम को आजाद कर देते हैं। और फिर यहीं से शुरू होती है ब्लैक एडम की मॉडर्न एज जर्नी, जहां वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका से मिलता है और कैसे नए वर्ल्ड का सामना करता है, ये सब हमें इस फिल्म में दिखाया जाएगा। पर ये तो थी ब्लैक एडम की मॉडर्न वर्ल्ड की जर्नी, पर इसकी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है और आखिर पास्ट में इसने ऐसा क्या किया जिसने इसे डीसी यूनिवर्स का बिगेस्ट विलन बना दिया, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एक्साइटेड रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।